स्वागत है आपका भक्ति वचन में पहले थिसलुनीकियों के दूसरे अध्याय के अध्ययन में। आज इस अध्याय के अध्ययन का दूसरा दिन है और हम वापस से पद 1-6 को देखेंगे। कल हमने इन पदों से उन चीज़ों के बारे में बात की जो अनंत तक टिकने वाले नहीं है, वे प्रेरणाएं जो खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, और आज हम इसके विपरीत उन चीज़ों को देखेंगे जो हमेशा के लिए है। और पौलुस से सीखेंगे कि हम भी वही करें जिनका परमेश्वर के राज्य में मूल्य है। तो आइए एक बार फिर से मैं आपके लिए पहले थिसलुनीकियों के 2 अध्याय के पद 1-6 तक पढ़ता हूँ। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिपी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हम योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को दासता है प्रसन्न करते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे और न तुमसे और न किसी और से। जब हम इन पदों में वो सकारात्मक चीज़ देखते हैं जो हमेशा के लिए टिकने वाली है, तो मेरे को दिखाई पड़ता है सबसे पहले साहस, असली ईश्वरीय आत्मिक साहस। पौलुस कह रहा है पद 2 में, पहले फिलिपी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोध के होते हुए भी तुम्हें सुनाए। पौलुस ने थिसलुनीकियों में आने से पहले फिलिपी में भयंकर विरोध झेला था। उसको और उसके साथी सिल्वानुस के कपड़े फाड़ दिए गए, उन्हें बेत से पीटा गया और बंदी गृह में डाल दिया गया था। पौलुस इस परिस्थिति से कई बार गुजरा था और वो इस प्रकार के विरोध और सतावट से भली भांति परिचित था। फिर भी वह थिसलुनीका जाता है सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। बहनों और भाइयों, साहस का अर्थ है विरोध और खतरे को नजरअंदाज करना नहीं है। नजरअंदाज करना तो मूर्खता है। साहस वो है जब आप विरोध और परिणामों से भली भांति परिचित हो, फिर भी आप सही काम करते रहते हो निरंतर। पौलुस भी वही करता था। कितनी बार वह मौत के मुंह में पहुंच गया और उसे पता था कि यह फिर हो सकता है, फिर भी वह साहस के साथ सुसमाचार का प्रचार करने थिसलुनीका गया था। अब विरोध हमेशा बाहरी नहीं होता, आंतरिक भी होता है। सही काम करने की तरफ उदासीनता, ये डर कि अगर लोगों ने मेरे संदेश को नकार दिया तो, अगर मैं सुसमाचार बताऊंगा तो लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसी भावनाओं से हम रोज लड़ते हैं, मैं तो लड़ता हूँ। साहस इन सब भावनाओं के बावजूद वो करना जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए आज्ञा दी है। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे काम के स्थान पर या फिर बस में बैठे हुए मेरे मन में आया कि ये इस मनुष्य को सुसमाचार की आवश्यकता है और इसे परमेश्वर को प्रेम के बारे में जानने की ज़रूरत है, और मैं बोलना चाहता था पर मेरे अंदर से मेरी असुरक्षा मेरे को रोक रही थी। अगर उसने मेरे को अनसुना कर दिया तो, अगर झिड़क दिया तो, कि अपने काम से काम रखो, और मैं उसे परमेश्वर का प्रेम बांटने से चूक गया, कोशिश भी नहीं की। क्या आपके साथ ऐसा होता है? सही काम करने के लिए साहस चाहिए। गलत काम बहुत ही आसानी से हो जाता है, पर सही काम के लिए साहस चाहिए। पौलुस ने यह चुना कि वो सही काम करे, सुसमाचार का प्रचार करता रहे, विरोध के, दुख और प्रताड़ना के बावजूद। वो साहस से भरपूर व्यक्ति था, पर पौलुस कहता है परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया। किसने दिया? परमेश्वर ने। एक बात कहूँ, जब आप खतरों से अनजान हो तो कुछ भी करना आसान होता है, आप अनजान हो खतरों से, पर पौलुस उन खतरों से भली भांति परिचित था, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे प्रताड़ना, झेलना, सहना, मार खाना पसंद हो। डर तो पौलुस को भी लगता होगा, और इसलिए साहस के लिए वो परमेश्वर पर आश्रित था। याद रखिए, साहस कोई आपका प्राकृतिक गुण नहीं है। प्रकृति हमारी ऐसी है कि हमें डर लगता है,
हम अपने आप को ऐसी स्थिति से बचाना चाहते हैं जो हमारे लिए असुविधाजनक हो, कष्टदायी हो, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से। साहस पवित्र आत्मा का वरदान है, एक उपहार है, और उसके लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए रहता है। पौलुस बेसाहस था, उसकी सेविकाई प्रभावी थी, इसलिए नहीं कि उसका व्यक्तित्व शानदार था। परंपरा बताती है कि वह बहुत अच्छा दिखने वाला व्यक्ति नहीं था, पर उसकी सेविकाई प्रभावी इसलिए थी क्योंकि उसमें साहस था, और साहस के लिए वह परमेश्वर पर आश्रित था। दोस्तों, साहस वो है जो हमेशा टिकेगा, क्योंकि साहस वो है जो आपको फलवंत करेगा। दूसरी चीज जो इन पदों में हमें दिखाई देती है जो हमेशा टिकने वाली है, और वो है सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार। यह है कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया और फिर से जीवित हो उठा, जिस वजह से अब हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, एक संबंध हो सका है। अगर आप इन पदों को देखेंगे, यह पद सुसमाचार के प्रचार के बारे में ही है। सुसमाचार शब्द बार बार आता है, पद 2 में, फिर 4 में, आगे 8 में और 9 में भी। पौलुस बात कर रहा है कि सुसमाचार कितना महत्वपूर्ण है। पद 4 में पौलुस कहता है, परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर ने उस पर सुसमाचार को लेकर भरोसा किया। सुसमाचार और भरोसा साथ साथ चलते हैं। आप बोलेंगे, हाँ, हमें सुसमाचार पर भरोसा करना चाहिए, वो सही है, पर यहाँ पे हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के भरोसे की हमारे ऊपर, सुसमाचार के विषय में। पौलुस पर नहीं, परमेश्वर ने हर विश्वासी पर भरोसा किया है इस विषय में। सुसमाचार को परमेश्वर ने मेरे और आपके हाथों में सौंपा है योग्य जानकर, और अगर हम सुसमाचार नहीं बांटते तो लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि यह काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है, कलीसिया को सौंपा है। अगर सुसमाचार का प्रचार होना है तो मेरे को करना है, आपको करना है, क्योंकि सुसमाचार है जो अंत तक, अनंत तक टिकने वाला है। तो साहस टिकने वाला है, सुसमाचार टिकने वाला है, और तीसरी चीज जो टिकने वाली है, जो इन पदों में दिखाई पड़ती है, वह है परमेश्वर की प्रसन्नता। परमेश्वर की प्रसन्नता, यह है वह नुस्खा जो हमारी लोगों को खुश करने वाली आदत से निजात दिला सकता है। और उस कहता है, और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। पौलुस कह रहा है कि मनुष्य के बजाय परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं। हम जीते हैं परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए। परमेश्वर ने हमें रचा ही इसलिए है ताकि हम उसे प्रसन्न कर सके, वो हमसे प्रसन्न रह सके, वो जीवन जिए जो उसे आनंदित कर सके। अगर इसके अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि अगर मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं जी रहा हूं, तो मैं पक्के से किसी न किसी मनुष्य को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है कि वो आपके पति या पत्नी हो, या फिर आपके माता या पिता, जिंदा हों या फिर ना हों। मैंने कई बार देखा है कि लोगों के उनके माता पिता गुजरे हुए, देहांत हुए, कई साल बीत चुके हैं, पर अब भी वे उन्हीं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और वह व्यक्ति आपका बॉस हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, या फिर आप खुद। अगर आप किसी भी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए जीवन जीते हो तो आप उसके दास हो, आप दासत्व में हो। मजे की बात है, मनुष्य को खुश करने की कोशिश आपको उस व्यक्ति का दास बना देती है, आपको जंजीरों में, बेड़ियों में जकड़ देती है। पर आपको शायद ये सुनकर आश्चर्य होगा, जब आप परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए जीवन जीते हैं, उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, तो आपको स्वतंत्रता मिलती है। आश्चर्यजनक है, पर यह सच है। पर पता है ऐसा क्यों है? देखिए, या तो आप प्रेम पाने के लिए प्रेम करते हैं, प्रेम पाने के लिए प्रेम करते हैं, या फिर आप इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि आपको प्रेम पहले से मिल रहा है। जब आप मनुष्य को खुश करने के लिए जीते हैं, तब आप उसे प्रेम इसलिए कर रहे हैं, इस चाहत के साथ कर रहे हैं कि वो आपको प्रेम देगा। पर सच्चाई तो यह है कि वो आपको प्रेम देने में असमर्थ है, क्योंकि वो इंसान है। वे लोग उतने ही टूटे हुए हैं जितने कि आप हैं। अगर वो प्रेम करने की कोशिश भी करते हैं, वो आपकी सारी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएंगे। सच्चाई तो यह है कि प्रेम करने की जगह वो आपको कष्ट दे जाएंगे।
इसलिए मनुष्य को खुश कर कर उनसे वो पाने की अपेक्षा करना जो वो नहीं दे सकते आपको केवल और केवल उनका दास बना देता है, केवल दास बना देता है। आप उनको खुश करने के लिए बस कुछ ना कुछ करते रहते हो दास की तरह। पर जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हो तो आपको पता चलता है कि वो तो आपको पहले से ही प्रेम दे चुका है जिसकी आपको आवश्यकता है। तो कल हमने वो जांच सूची देखी जो टिकने वाली नहीं है, खत्म हो जाएगी, और आज जो हमेशा के लिए है, साहस, सुसमाचार और परमेश्वर की प्रसन्नता। तो आप इस जांच सूची पर कैसा कर रहे हैं? सच बताऊं, मैं अच्छा नहीं कर रहा, मुझे 100% नहीं मिल रहे। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बदलने की ज़रूरत है, कुछ आदतें, कुछ मनोभाव और कुछ चिंताधाराएं। परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आइए पिता परमेश्वर से इस बदलाव लाने की सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जब हम देखते हैं कि हम कहाँ हैं और कहाँ हमें होना चाहिए, कहाँ आप चाहते हैं हम हो, तो हमें एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है, बीच में एक खाई दिखाई पड़ती है। इस अंतर को देखकर हम निरुत्साहित ना हो जाएं। अधिकतर समय सही काम करने का साहस हम में नहीं होता, तेजस्वी समाचार का प्रचार हमारे दिमाग से कोसों दूर होता है। कई बार हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं कुछ मनुष्य को खुश करने के लिए। हमें याद रखने में मदद कर कि तूने हमें भुला नहीं दिया है, कि सुसमाचार अब भी अच्छा समाचार है और तू आज भी हमें रोज सामर्थ और साहस दे सकता है। प्रभु, हम तेरे पर आश्रित हैं, तेरे पर निर्भर हैं, तेरी सहायता पर निर्भर हैं। मदद कर कि हम तेरी सामर्थ पर निर्भर रहें और वो करने के लिए जो हम खुद नहीं कर सकते। और जब हम उस अंतर को देखते हैं जो हम हैं और जो तू चाहता है कि हम हो, तो उस अंतर को ख़त्म करने के लिए हम तेरे पर ही भरोसा करते हैं, अपनी शक्ति पर नहीं, अपनी सामर्थ्य पर नहीं, तेरे पर। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम पहले थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय के 5 के अंतिम भाग से 9 को देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, परमेश्वर की महिमा हो।